फरमा, आपने बताया कि क्यामत की निशानियों में है कि तहारत में भी ज्यादती की जाएगी, तो इससे क्या मुराद है? इसका माना यह है कि लोग तहारत हासिल करते वक्त वसायल या रिसोर्सेज को बहुत जाया करेंगे। मसलन ये कि वजू करते वक्त बहुत ज्यादा पानी लुढ़ाना, बहुत साबुन गिराना, इसी तरह नहाते वक्त बहुत पानी जाया करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पानी की किल्लत भी होती थी, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है ये बात कि एक शख्स को आपने फरमाया था कि खा तुम दरिया के किनारे बैठे हो फिर भी वजू के लिए उतना ही पानी लो जितना तुम्हारी जरूरत है, यानी बहुत ज्यादा पानी जाया ना करो। आज हम देखते हैं कि बहुत से वसाइल के जरिए पानी का हुसूल बाज़ इलाकों में बहुत आसान हो गया है और लोग बहुत नाकदरी के साथ पानी जाया करते हैं। मसलन बाज़ दफ़ा देखा गया है कि ब्रश करने के वक्फे में टैप खोल दी जाती है, बाज़ वक़्त 5 मिनट तक टैप में से पानी बहता रहता है और आराम आराम से लोग अपनी तहारत और सफाई का एहतमाम करते रहते हैं। तो किसी भी तरह के वसाइल को जाया करना जो है वो इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, खा वो दीन के किसी काम के करने में ही क्यों ना इस्तेमाल किए जाए, वुज़ू जैसी चीज में ही क्यों ना इस्तेमाल किए जा रहे हों। तो तहारत में मुबालगा आराई का मतलब यही है